काटें। चलो आज भाई के काटेंगे आज। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। फ्रेंड्स आज मेरे बेटे का बर्थडे है तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करती हूँ। मेरा हमेशा से मन करता है जो भी कुछ भी बातें हैं ना वो सारा कुछ आपके साथ में शेयर करने का। तो रात को हमने केक वेक काट लिया था तो अभी उसकी भी थोड़ी पिक्स वगैरह मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। और अभी तो वो ना अपने फ्रेंड्स के साथ में बाहर गया है घूमने के लिए तो उसका रूम को भी ना डेकोरेट किया है मेरी बेटी ने, तो वो भी सारा भी दिखाती हूँ मैं आपको कैसे है। और मेरे को ना ये भी बताना था उसको, सबसे पहले तो भव्य को हैप्पी बर्थडे भव्य, और उसके बाद में मैन बिहाइंड माई वीडियोज भव्य ने हमेशा, मेरे बेटे ने हमेशा बहुत ज़्यादा हेल्प किया है स्टार्टिंग से ही मुझे वीडियो बनाने में। ये कब से मैं बात आपके साथ में शेयर करना चाहती थी, पर आज उसका बर्थडे था तो मैंने कहा चलो बहुत ही अच्छा टाइम है, उसको हम सब मिलके हैप्पी बर्थडे विश भी करेंगे और साथ साथ में उसको थैंक यू बोलूंगी कि उसी ने ही ये सारा कुछ मेरा चैनल बनाया। स्टार्टिंग में फ्रेंड्स मुझे कुछ भी नहीं पता था कि किस तरीके से वीडियोस अपलोड करना है, क्या एडिटिंग करना है, चैनल कैसे बनाते हैं, सब कुछ वहां से। फिर पिन नंबर आता है उसको अपडेट करना, मतलब काफी सारी चीजें होती हैं जो अपडेट वगैरह करनी होती हैं, तो वो सारा कुछ भव्य ने सब कुछ पढ़ पढ़ के, वो भी क्योंकि उसकी भी बहुत ज्यादा एज नहीं थी तो उसने भी सारा कुछ वीडियोस देख देख के समझ समझ के उसने उन सब चीज़ों को समझा और फिर वही मेरी एडिटिंग करता था। पर फिर उसके बाद में उसकी स्कूल की पढ़ाई थी तो फिर वो सारा कुछ मैंने सीखा, अब तो सारा कुछ मैं ही एडिटिंग करती हूँ। तो चलिए अभी आपको उसका रूम दिखाती हूँ मैं। और फ्रेंड्स वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करना। अभी रात में तो हमने केक काट लिया था, अभी वो शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ गया है, रात को हम फैमिली डिनर पे जाएंगे तो वीडियो तो पर मैं शाम को अपलोड कर दूंगी ये, तो रात वाली जो डिनर वगैरह की पिक्स वगैरह होंगी वो मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगी, तो फिर इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करना मुझे। तो चलिए फ्रेंड्स उसका रूम दिखाती हूँ अभी मैं। उसने सब ना मिशा ने डेकोरेट किया था, अभी दिखाती हूँ। ये ऐसे इसको बैक मार देती है, तो इस तरीके से मिशा ने पूरे इसके रूम में बैलून्स करे हैं और इसके बचपन से लेके अब तक की सारी पिक्स वगैरह हैं वो सब यहाँ। सबसे पहले तो एंटर करते ही रूम पे बैलून लगाया है और इसके ऊपर ये हैप्पी 18 का हुआ है, अभी हैप्पीएस्ट बर्थडे करके जो भी इसकी पिक्स वगैरह हैं वो हर बैलून के नीचे पिक वगैरह लगाया है और उसके नीचे कुछ कुछ भी लिखा भी हुआ है। फ्रेंड्स ये बहन भाई का ना आपस में बहुत रहता है, दो बच्चे तो ज़रूर होने चाहिए आपस में ना, बहन भाई बहुत एक दूसरे से प्यार करते, एक दूसरे की केयर करते हैं, हम लोग भी करते हैं एज अ पेरेंट्स, हम भी जितना हो सकता है उतना करते हैं, पर भाई बहन का तो ना आपस में इनकी शरारतें, इनकी लड़ाई, इनका प्यार, हर चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा आपस में शेयर भी बहुत करते हैं। पेरेंट्स से तो फिर भी बच्चे कम चीज़ें शेयर करते हैं, पर ये इसकी लेटेस्ट पिक है, ये बचपन की है पिक इसकी और ये इसकी लेटेस्ट पिक है। पहले बहुत गोलू मोलू सा था ये, अब तो इसने थोड़ा सा ठीक हो गया। तो इस तरीके से है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से सारे इसके रूम को डेकोरेट किया हुआ है, बहुत ही खुश हो रहा था, अभी तो गया हुआ है बाहर डिनर के लिए, जाएंगे हम शाम को, तो इसे जरूर इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना और इसके साथ साथ ही वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ में, तब तक लव यू ऑल, बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, आप सब बहुत खुश रहना, अपना ध्यान रखना।